हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडाला। तो मंडाला बनाने से पहले आपको सबसे पहले उसके पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। जब आपको पैटर्न्स बनाने आ जाएंगे तो आप इजीली कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने क्या किया है, स्क्वायर स्क्वायर के बना लिए हैं और स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है हाफ पोर्शन में, मीन्स दो रेक्टेंगल हो गए। फर्स्ट में दो हो गए, सेकंड में दो हो गए, थर्ड में दो हो गए, फोर्थ में दो हो गए, फिफ्थ में दो, ऐसे करके मैंने 7 बॉक्सेस बनाए, उनको हाफ हाफ कर दिया है। अभी फर्स्ट वाले बॉक्स से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, फिर सेकंड में बनाएंगे, थर्ड में बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट के दो बॉक्सेस में, पहले अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करें, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी। आप डायरेक्ट पेन यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें फिर क्या है, आप वापस उसको रब नहीं कर सकते। इसमें बेटर क्या होता है, आप पहले पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से फिर उसकी आउटलाइन करो। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट मैंने सेंटर लाइन को ऐसे किया और फिर उसको नीचे लेके आई, ऐसे करके हम लोगों को पेटल्स की तरह पूरा बना देना है, ठीक है। और हर एक बॉक्स में दो बनेगा, एक लेफ्ट एक राइट, पूरा एक पेटल, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग पूरा 7 मैंने बॉक्सेस बनाया है, तो मैं 7 तक इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ अभी। फिर हम सीधे फर्स्ट पैटर्न बनाएंगे, देन सेकंड पैटर्न बनाएंगे, थर्ड पैटर्न। तो इस तरीके से ना आप 7 पैटर्न सीख जाओगे इजीली। तो हम फर्स्ट पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पैटर्न को मैं बनाने वाली हूँ, याद रखो सबसे पहले पेंसिल से ही आपको बनाना है, उसके बाद हम लोग आउटलाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मुझे आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही पेन से बना रही हूँ। आप लोग लेकिन पेंसिल से बनाना, पहले डिज़ाइन पेंसिल से, देन यूज़ एनी पेन, ओके। तो पहले हम उसकी आउटलाइन कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने सब अभी मैंने ड्रॉ की है सारी लाइंस को, वैसे ही पूरा उसका आउटर लाइंस को हम लोग पेन से बनाते चले जाएंगे। 7 पूरे पैटर्न्स हम लोगों को बनाने हैं। इसमें क्या होगा, आप जैसे ही ये पैटर्न सीख जाओगे तो आप एक मंडाला पूरी क्रिएट कर सकते हो। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, मैं उसमें आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपना हाथ स्टेबल करना है मंडाला के लिए, क्योंकि आप पहले पेंसिल से सीखोगे, पेंसिल से देन उसको ट्रेस करो, उसी के ऊपर मीन्स लाइनिंग करो पेन से, तो आप जल्दी सीखोगे। इससे क्या है, आपका हाथ भी स्टेबल होगा। तो अभी देखो, फर्स्ट ये वाली मंडाला के जो पैटर्न्स हैं, ये कोई भी बना सकता है। मैंने बहुत इजी पैटर्न्स बनाए हैं, बिल्कुल बिगनर इसको बना सकता है। तो देखो, मैंने सेंटर से एक लाइन ली, देन मैं टेढ़ी लाइंस ले रही हूँ। सेम हम लोग लेफ्ट वाले पैटर्न पे, जो भी हम राइट पे करेंगे वही हम लेफ्ट पे भी ड्रॉ करेंगे। ये अभी बिगनर्स के लिए है ये वाला मंडाला पैटर्न्स। तो आप लोग जल्दी, अभी देखो कितना ईजीली आप लोग समझ जाओगे कि कैसे कैसे हम लोगों को ड्रॉ करना है। ये वाला पैटर्न देखो, ये कोई छोटा बच्चा वो भी सीख सकता है, तो किड्स लोग भी इसको बना सकते हैं। अगर कोई किड्स इसको सीखना चाहता है तो इजीली आप मंडाला बना सकते हो। सेकंड पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, सेकंड में मैंने सर्कल बनाया सेंटर में, जहाँ पे मैंने बीच में से उसको डिवाइड किया है, वहीं पे आपको एक सर्कल बनाना है। फिर हम इसकी लीव बनाएंगे। अभी देखो, दोनों तरफ से वैसे ही सेम मैं बना रही हूँ। अभी पहले हम हमेशा एक तरफ का पोर्शन बनाओ, देन उसके बाद लेफ्ट साइड का पोर्शन बनाओ। अगर आप दोनों को एक साथ लेके बनाते रहोगे तो फिर उसमें थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो कभी कभी नहीं हाथ सेट बैठता हम लोगों का। इसीलिए जो बिगनर्स होते हैं उनको पहले एक तरफ से बनाना सीखना है, ठीक है। अभी मैंने देखो क्या किया है, इसका फ्लावर की तरह इसको वो दिया है, फिर इसके बीच में ऐसे लाइनिंग, देन डॉट, फिर से लाइनिंग, देन डॉट, फिर से लाइनिंग, डॉट, लाइनिंग, डॉट। ये पेन में पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा था। अभी देखो, दोनों पेटल्स के बीच में एक सर्कल, ऐसे ही हम जितने भी बीच में आ रहे हैं ना, जितना भी गैप है सब में हम लोग सर्कल को फिल करेंगे। अब मैं लेफ्ट साइड में भी सेम कर रही हूँ। मैंने आपको बोला, आप बिगनर हो तो आप पहले अभी ये वाले पैटर्न्स यूज़ करो, अभी इससे सीखो, आप पूरी एक मंडाला बना सकते हो अगर आप ये पूरे 7 पैटर्न्स सीख जाओगे तो। और आप लोगों को इजी भी पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत स्लो मोशन में बनाया है, धीरे धीरे मैंने इसको बनाया ताकि आप लर्न कर सको।
ठीक है। अभी देखो मैंने जो लेफ्ट में फिल किया वही मैं आउटर जो पोर्शन है उसको ब्लैक से जस्ट फिल कर रही हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब हम थर्ड में बनाने वाले हैं वही, पहले नीचे का आउटलाइन मैंने कर दिया है, अभी सेंटर से ये लिया है। जो भी मैं राइट में बनाने वाली हूँ जैसे मैंने बताया वही मैं लेफ्ट में भी बनाने वाली हूँ। अभी देखो ये कितना ईजी लग रहा है बनाने में। तो ऐसे ही करके आपको धीरे धीरे आ जाएगा मंडाला बनाना, इसमें कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब हम लोग क्या देख लेते हैं कि मंडाला का इतना सुंदर बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी मंडालाज हैं। तो सबसे पहले आपको पैटर्न सीखने हैं, जैसे ही पैटर्न्स आपको आ जाएंगे आपका हाथ स्टेबल हो जाएगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका हाथ परफेक्ट होता चला जाएगा। ये पता नहीं इसमें पेन में क्या हो गया था, मैं बार बार उसको करे जा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था ये, आई थिंक बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था और बहुत दिनों से ये ऐसे पड़ा हुआ है, आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, मे बी इसलिए इशू आ रहा होगा इंक का। तो वही देखो अभी मैंने सेम पैटर्न आगे भी ड्रॉ किया था, थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही होता है। तो आप कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आता रहता है आप बनाते रहो, मेरे दिमाग में कुछ भी पैटर्न आता रहता है मैं बनाती रहती हूँ। तो बस आप थोड़ा थोड़ा बनाते जाओगे तो आपको इजी पड़ेगा। अभी देखो मैंने ये बनाया तो आप इसके ऊपर जहाँ पे फ्लोरल था इस पे आप बाहर आउटर एरिया पे ब्लैक वापस से फिल कर सकते हो तो वो भी अच्छा लगेगा, तो वो भी एक नया पैटर्न हो गया। तो आप ऐसे ही न्यू पैटर्न्स खुद से जनरेट कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। अभी देखो ये इसी टाइप का मैंने यहाँ पे बनाया था थर्ड वाले सेक्शन पे, अभी देखो थर्ड पे भी मैंने बनाया था वो भी थोड़ा सिमिलर था इसी तरीके का। अभी वही सेम जो हम सब में कर रहे हैं, राइट साइड में जो हमने ड्रॉ किया है लेफ्ट में हम ड्रॉ कर रहे हैं, सेम वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाले पैटर्न्स इतने ईजी हैं कि आप थोड़ी एक बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप ही आपका हाथ सेट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसे वैसे करो और वीडियो स्किप मत करो, वीडियो अगर स्किप करोगे ना तो बीच में अगर आप सोचोगे यहाँ से वहाँ मैं बस इतना से देख लूँ सीख गया या सीख गई, तो फिर वहाँ पे इशू आ जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा उसको स्किप कर दोगे आपका आपको पता नहीं चलेगा कि हाथ मींस ऐसे सेट करना है या कैसे प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही बन पाएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बन पाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी आता है मंडाला बनाना तो आप एडवांस लेवल पे करो, एडवांस लेवल पे सीखो तो वो भी अच्छा होता है, उससे आप कंटिन्यू करते रहोगे तो और एडवांस लेवल पे चले जाओगे। तो मीन्स नई न्यू पैटर्न्स आप सीखो, क्योंकि ये वाले पैटर्न्स मैं अपने आप ही बनाए जा रही हूँ जो भी बना रही हूँ। तो ऐसे ही आप नए नए पैटर्न्स बनाओ, सीखते रहो, इससे क्या है आपका हाथ भी स्टेबल हो जाता है, आपकी राइटिंग भी अच्छी होती है। अगर आप इसे यूज़ करते रहते हो ना तो आपकी राइटिंग पे भी असर पड़ेगा, आप एक बार ट्राई करके देखना। और थोड़ा ना मंडाला में क्या होता है आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है क्योंकि आप इमेजिन कर रहे होते हो कि हाँ इसके बाद मैं ये बनाऊंगी या ये बनाऊंगा, इसके बाद ये अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा मीन्स माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाते हो आप। तो मुझे पर्सनली मंडाला बहुत पसंद है, मैं मंडाला मीन्स डेली करती हूँ, थोड़ा बहुत जब भी मुझे टाइम मिलता है 5 to 10 minutes आई विल टेक टू ड्रॉ मंडाला, ठीक है। अब हमेशा मैं ट्राई करती हूँ। तो अभी मैंने वहाँ जो बनाया वही मैंने राइट में किया, इसको कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे 7 पैटर्न्स हमको मिल गए हैं, अब हमारे पास 7 पैटर्न्स हो गए हैं। मैं इसकी जो मैंने बनाई थी पेंसिल से उसको रब कर रही हूँ ताकि हम ये क्लीन दिखे, और आप आउटर एरिया पे मार्कर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न्स अच्छे लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।